भारत ने सीरीज एक एक कर लिया है, इट्स अ मैग्निफिसेंट विक्ट्री एट एमसीजी। वो कैसे हुआ आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगला हम बात करेंगे एक बहुत बड़े बूस्ट के बारे में जो टीम इंडिया के साथ जुड़ने वाले हैं बस एक दो दिन में, और फिर आगे जाकर बात करेंगे सुनील गावस्कर के कुछ ओपिनियंस के बारे में, ओपनिंग कॉम्बिनेशन के बारे में फॉर टीम इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम शायद से एक और डेब्यू देख सकते हैं इन द थर्ड टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन सारी चीजों के बारे में आज करते हैं बात। दोस्तों, मेरा नाम आदर्श रामन है, क्रिकेट ट्रैकर के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देख लीजिए और उसके पहले क्रिकेट ट्रैकर के पेज को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, बगैर वक्त जाया करे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले मैच एकदम गंदी तरीके से हारने के बाद, विराट कोहली के टीम से बाहर जाने के बाद फॉर हिज पेटर्निटी लीव, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अजिंक्य रहाणे इस टीम को कैसे लीड करेंगे, भारत कैसा प्रदर्शन करेगा। लेकिन उन सारे सवालों के जवाब अब हमें मिल चुका है क्योंकि भारत ने सीरीज को अभी इक्वल कर दिया है, लेवल कर दिया है 1-1 एमसीजी के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जीत हासिल करके बाय 8 विकेट्स। इट्स नॉट एन ईजी विक्ट्री एंड अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी हैव डन दैट। अगर आप देखेंगे इस मैच को तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, दे वर बोल्ड आउट फॉर 195, ब्रिलियंट बोलिंग फ्रॉम रवि अश्विन एंड जसप्रीत बुमराह। फिर जब भारत की बल्लेबाजी आई थी, ओपनिंग कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली दिस टाइम इट वाज द डेब्यूटेंट शुभमन गिल विद मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने फिर से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बट गिल गॉट इंडिया ऑफ टू अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट। ही गॉट अ गुड 45 runs, ऑब्वियसली मिस्ड आउट ऑन हिज हाफ सेंचुरी, बट इट वॉज अ वेरी वेरी गुड इनिंग्स फॉर इंडिया एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। बट द बिगेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन दैट पर्टिकुलर लाइनअप वॉज अजिंक्य रहाणे व्हेन ही स्कोर्ड दैट मैग्निफिसेंट 112 runs, and his partnership with Ravindra Jadeja, who scored 57 runs, made sure that India got to 326. And फिर Australia ने बल्लेबाजी करना शुरू किया था, and they were bowled out for just 200 runs. Everybody chipped in, but unfortunately this time it was Umesh Yadav who had to leave the field. He was severely cramped up, and he was taken out for scan. So Umesh Yadav अब खेल नहीं रहे थे, but other than that everybody bowled really well. Mohammad Siraj को हम एक स्पेशल मेंशन करेंगे क्योंकि ही आल्सो मेड हिज डेब्यू एंड ही वाज आल्सो मैग्निफिसेंट इन बोथ द इनिंग्स। तो ऐसे भारत ने जीत हासिल कर ली इन द फाइनल इनिंग्स विद ओनली 70 रन्स टू चेस डाउन। अजिंक्य रहाणे एंड शुभमन गिल मेड श्योर दैट दे सॉ द टीम थ्रू आफ्टर मयंक अग्रवाल अगेन flopped for the fourth time in the series so far. Many questions to be answered, but as far as now is concerned, Team India can go home a happy bunch. तीसरे टेस्ट के पहले भारत को मिलने वाला है एक बहुत बड़ा बूस्ट रोहित शर्मा के रूप में, because now he is in Sydney quarantining, finishing his 14-day quarantine period, और उसके बाद he is going to come out and he's going to join the team on the 30th of December, which is a Wednesday, and that is big, big news, because any team, any franchise, any format Rohit Sharma plays for, that team is going to win big. That's usually the scenario. और रोहित शर्मा टीम के अंदर आ रहे हैं after picking up a hamstring injury, after not playing professional cricket after the IPL's finals. He won that and उसके बाद उन्होंने खेला ही नहीं. He also missed a few games in the IPL because of this injury. और then he went to training, he went to rehab. He then was cleared by the NCA and then flown into Australia where he's in a 2-bedroom apartment in Sydney and his quarantine period is getting over. उन्होंने Instagram story में is very excited about getting out on Wednesday and joining the team and going into the third test match. The addition of Rohit Sharma is always going to be magnificent, but there's still no future, there's still no answer to the future of Rohit Sharma. He still needs to pass another test, lekin as far as now is concerned he is most likely to join the team, so that's good news for Team India. Aage badhkar karte hain baat Sunil Gavaskar ke comments ke bare mein for the opening combination for the third test match, kyunki Mayank Agarwal aur Shubman Gill ne dusre test match mein open kiya tha and it was not all right because Mayank Agarwal has been flopping since the first innings and Hanuma Vihari also has not performed in all the four innings. To Sunil Gavaskar ka ye manna hai ki jab Rohit Sharma team ke andar aa jayenge, Mayank Agarwal aur Rohit Sharma ko open karna chahiye, Hanuma Vihari ko bahar baithna chahiye aur Shubman Gill ko Hanuma Vihari ka jagah lena chahiye. Obviously Shubman Gill did a great job with opening the innings with Mayank Agarwal, lekin kya Rohit Sharma jab andar aa jayenge Shubman Gill ko niche kar diya जाएगा, या शुभमन गिल ड्रॉप भी हो सकते हैं, या मयंक अग्रवाल ड्रॉप होंगे, रोहित शर्मा उनकी जगह ले लेंगे और हनुमा विहारी विल कंटिन्यू टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर, इन सारी चीजों के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। इट्स ऑल अ
big question mark. Make sure you guys let me know in the comments what you think about this. Who should open, who should be dropped, and where should Shubman Gill play? इन सारी चीजों के बारे में आपकी जो भी राय है कॉमेंट्स में मुझे आप बता दीजिए. आखिर में करते हैं बात एक इंजुरी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि भारत के भी बहुत सारे इंजुरी कंसर्न्स हो चुके हैं. इन दिस सीरीज द लेटेस्ट एडिशन टू दिस लिस्ट इज उमेश यादव, एंड ही इज मोस्ट लाइकली टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द सीरीज. और उनको कवर करने के लिए टी नटराजन, जो T20 सेंसेशनल हैं, IPL में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. ही मेड इज ओडीआई एंड T20 डेब्यू वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, एंड ही इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी कॉल्ड इन एज बैकअप फॉर उमेश यादव. हमारी अगर भारत की इंजरी की लिस्ट देखोगे तो फिर ऑलरेडी मोहम्मद शामी और ईशांत शर्मा सीरीज से बाहर हो चुके हैं. दिव नॉट प्लेड. शामी ओबियसली प्लेड द फर्स्ट मैच और वहां से ही डिडंट कंटिन्यू प्लेइंग, उनका फ्रैक्चर हो गया था. ईशांत शर्मा हैज बीन आउट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड उमेश यादव बहुत सारे फेसिंग सीवियर क्रैम्स बिकॉज ऑफ व्हिच ही लिम्ड आउट ऑफ द फील्ड, और दैट वॉज नॉट अ गुड साइन. बट नवदीप सैनी इज ऑल्सो देयर इन कंटेंशन, एंड टी नटराजन माइट बी कॉल्ड फॉर बैकअप. और BCCI के ऑफिशियल ने कहा है कि विथ लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टी नटराजन कैन बी कॉल्ड इन एज बैकअप फॉर उमेश यादव. ये हो सकता है करके एक BCCI के ऑफिशियल ने कहा. तो लेट्स ऑल होप कि हम देख सकते हैं शायद से टी नटराजन को या नवदीप सैनी को मेकिंग देयर डेब्यूज, बिकॉज ऑब्वियसली दे विल नीड अ थर्ड सीमर देयर इन सिडनी इफ द गेम इज गोइंग टू बी प्लेड देयर. क्योंकि सिडनी में होगा या मेलबर्न में कंटिन्यू होने वाला है इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है बिकॉज ऑफ द कोविड आउटब्रेक इन सिडनी. तो दोस्तों ये है आज की सारी खबर. उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लग गया. अगर लग गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में मुझे बता दीजिए आपकी राय, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, अबाउट हु शुड ओपन फॉर इंडिया, व्हाट शुड हैपन, हु शुड बी ड्रॉप्ड, इन सारी चीजों के बारे में व्हाटएवर योर ओपिनियंस आर इन द कमेंट्स डू लेट मी नो. और अगर अब तक किया नहीं है तो क्रिक ट्रैकर के पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत जल्दी मुलाकात करता हूं दोस्तों मैं आप लोगों से ऐसे ही वीडियोज के साथ.